वो तमाम लोग जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से और ग्रह प्लान्स की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको जो घर दिखाने जा रही हूँ वो 240 गज का घर है। ये घर कुछ अर्से पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन अगर आज के मार्केट रेट के हिसाब से आप ये घर बनवाना चाहेंगे तो मेसनरी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी कॉस्ट तकरीबन 10 मिलियन के अराउंड आएगी और फ्रेम स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये घर इंडस्ट्रियल हब कराची में कंस्ट्रक्ट किया गया है और हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको मैक्सिमम लैंड यूटिलाइजेशन चाहिए थी। रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने 3 बेडरूम्स नीचे और 3 बेडरूम्स ऊपर बनवाए थे। हमारे क्लाइंट भी एक इंजीनियर थे तो उनके वैल्यूएबल और टाइमली इनपुट ने इस डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना दिया। इस घर में काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स ट्राई किए गए हैं, मसलन के ओपन किचन बनाया गया है जो कि यहाँ पर यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इसके अलावा सारा प्लॉट कवर कर दिया गया है और ज़्यादा ओपनिंग स्पेसेस जो है वो फ्रंट पे दी गई हैं ताकि अच्छी सिटिंग स्पेस बना सकें। अब चलते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन, लेआउट प्लान और इंटीरियर की तरफ। फ्रंट एलिवेशन इस तरह प्लान किया गया है कि दोनों पोर्शंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। डिज़ाइनिंग और लाइटिंग को डिटेल में दिखाने के लिए इसका नाइट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है जिसमें वुड और टाइल्स जैसे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। फ्रंट गेट वुडन बनाया गया है। कुछ वॉल्स पर टेक्सचर्ड टाइल्स लगाई गई हैं जैसे कि स्क्रीन पर एरोज आपको शो कर रहे हैं। ये व्यू फ्रंट गेट के बगैर बनाया गया है जिसमें पोर्च क्लियरली आप देख सकते हैं। टेरेस पर लूवर से डिज़ाइनिंग की गई है और वुडन ग्रिल लगाई हुई है। टेरेस के एक फ्रंट एरिया में प्लांटेशन की गई है जो कि घर की ओवरऑल लुक को बहुत बेहतर बना रही है। फ्लोरिंग में टाइल्स ही यूज़ की गई हैं और ये है इस घर के एंट्रेंस डोर डिज़ाइंड इन डिफरेंट शेड्स ऑफ वुड। अब ये एरिया जो एरो से इंडिकेट किया गया है ये एक पैटियो या वरांडा बनाया गया है। ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर वाले पोर्शन को जा रही हैं। ये था इस घर का सारा एक्सटीरियर व्यू। क्लाइंट के एंड पर ये क्लैरिटी थी कि उन्होंने एक पोर्शन रेंट पर देना है और एक में खुद रहना है। मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब भी आप घर डिज़ाइन करवाने जा रहे हो अपने एंड पर ज़रूर क्लैरिटी लें जितनी भी आप चाहते हैं। अपने घर को कंसेप्चुअलाइज करें, अपने लिए एक विश लिस्ट तैयार करें उसको फाइनल करें, अपनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स देखें उनको फाइनल करें और उसके बाद आपने अपना बजट देखना है और अपने आर्किटेक्ट के पास जाना है। इसी तरह आपको ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी मिल सकेगी। अब चलते हैं इस घर के लेआउट प्लान और इंटीरियर की तरफ। घर में एक गाड़ी पार्क करने की जगह है क्योंकि घर के पोर्च से ऊपर वाले पोर्शन में सीढ़ियाँ जा रही हैं। फ्रंट पर एक बहुत ही खूबसूरत वरांडा है जो कि 16 फीट बाय 10 फीट 6 इंच का है। इसके सामने एडिशनल स्पेस है लॉन की तो बहुत ही खुली जगह लगती है। इसे आप बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। अगर आप वरांडे को सेट करने के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने लगी हूँ वरांडा, बैल्कनी, टेरेसेस के ऊपर, जिसमें मैं बहुत से आइडियाज़ दूंगी कि आप कैसे वहाँ पर अच्छी सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, कैसे वहाँ पर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को ताकि आप मिस ना करें हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब अगर आपने इस वरांडे को सेट करना है तो लॉन की भी अच्छी सी लैंडस्केपिंग कर लें और फिर तो क्या कमाल, हर इवनिंग आपकी यहीं पर गुजरेगी और आपके चाय पीने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर बायलॉज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बैक गली बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होती। वैसे उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके घर की अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है, लेकिन आई थिंक ऑन द अदर हैंड अगर आप वही स्पेस फ्रंट पर दे दें तो आपका फ्रंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। घर के ग्राउंड फ्लोर में दाखिल होने के लिए डबल पैनल डोर दिया गया है और इस डोर से आप मल्टीपर्पज़ रूम में दाखिल होते हैं। इसे मल्टीपर्पज़ रूम इसीलिए कहा गया है
क्योंकि इसमें लाउंज एरिया, डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया सेट किया जाना है। इस रूम की मेजरमेंट्स है 23 फुट बाय 17 फुट 8 इंचेस और इसकी राइट साइड पर एक स्टोर मिलेगा जो कि 4.5 फुट बाय 8 फुट का है। मल्टीपर्पज़ रूम के इंटीरियर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कलर पैलेट को बिल्कुल न्यूट्रल रखा गया है। मॉडर्न डिज़ाइन स्टाइल को फॉलो करते हुए डेकोर और डिज़ाइनिंग मिनिमल रखी गई है। वाइट वॉल्स के साथ बेज फर्नीचर है। सामने वाली वॉल पर बड़ी कलरफुल पेंटिंग लगाई गई है जो कि रूम में कलर ऐड कर रही है। इस व्यू में आप जो लेफ्ट साइड पर दो डोर्स देख रहे हैं वो स्टोर और एयर शाफ्ट के हैं। अब आप देख रहे हैं व्यू टू। इसमें सामने मीडिया वॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कमरे का फोकल पॉइंट बनाया गया है। मीडिया वॉल पर प्रिंटेड वॉलपेपर लगाया गया है और टीवी वॉल के साथ स्टोरेज कैबिनेट्स बनाई हुई हैं सो दैट स्टोरेज भी हो सके और उनके ऊपर डेकोरेशन पीसेस भी रखे जा सकें। यहाँ दोनों डोर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेडरूम्स के हैं। वुडन फ्लोरिंग की गई है। इसमें बहुत ही ओपन स्पेस कॉन्सेप्ट रखा गया है जिसकी वजह से पूरा लाउंज बहुत ओपन और स्पेशियस फील दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी विंडोज़ की वजह से नेचुरल लाइट और हवा कमरे में आ सकेगी। ये है घर का ओपन किचन जिसकी डायमेंशंस हैं 13 फुट 7 इंचेस बाय 10 फुट। किचन के साथ एक लॉन्ड्री एरिया भी दिया गया है। किचन के इंटीरियर व्यू जो आप पार्शियली मल्टीपर्पज रूम से भी देख सकते थे वो अब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये है इसका व्यू वन। किचन में क्लोज कैबिनेट्स रखी गई हैं और इन न्यूट्रल कैबिनेट्स के साथ ब्लैक कलर का मार्बल लगाया गया है। किचन में भी एक विंडो लगाई गई है जिसके नीचे डबल सिंक है। किचन की ऑप्शन टू अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम्स बना दिए गए हैं। इस बेडरूम की मेजरमेंट है 14 फीट 2 इंचेस बाय 12 फीट और इसके साथ अटैच बाथरूम का साइज है 5 फीट 5 इंचेस बाय 5 फीट 4 इंचेस। टाइल्स से फ्लोरिंग की गई है। सीलिंग पर स्पॉटलाइट्स लगाई हैं और रूम के कलर्स न्यूट्रल रखे गए हैं। वार्डरोब को बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन किया गया है और अंदर लाइट्स लगाई गई हैं। अब चलते हैं जी बाथरूम के इंटीरियर की तरफ। ये है बाथ वन का व्यू वन। बाथरूम वाइट और गोल्ड बनाया गया है जिसमें सामने स्टाइलिश स्क्वायर सिंक है और सिंक के नीचे टॉवल प्लेस करने का रैक बनाया गया है। व्यू टू में आप शावर एरिया और कमोड देख सकते हैं। गोल्ड ग्लास शावर एरिया पूरे वॉशरूम को बहुत ही रिच लुक दे रहा है। ये है इस वॉशरूम का बर्ड आई व्यू। इस घर के बाथरूम काफ़ी छोटे बनाए गए हैं क्योंकि ये 240 गज का घर था और दोनों फ्लोर्स पर उन्हें 3-3 बेडरूम्स चाहिए तो जाहिर है किसी चीज़ पर तो कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें करना पड़ना था। तो हमारे क्लाइंट ने ये डिसाइड किया कि वो बाथरूम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब चलते हैं बाकी बेडरूम्स की तरफ। इस बेडरूम की मेजरमेंट है 16 फीट 9 इंचेस बाय 11 फीट 10 इंचेस। यहाँ काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स पर फोकस किया गया है। इस कमरे का फोकल पॉइंट इज द फ्रंट बेड वॉल जिस पर टेक्सचर्ड पेंट और एक बड़ी पेंटिंग हैंग की गई है। सामने डोर के साथ एक कंसोल और मिरर प्लेस किया गया है। व्यू टू में सामने स्लाइडिंग डोर्स वाली एक बड़ी वार्डरोब बनाई गई है और फ्लोरिंग टाइल्स से की गई है। इस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम की डायमेंशंस हैं 6 फीट 11 इंचेस बाय 5 फीट 4 इंचेस। इंटीरियर को बहुत ही सिंपल और मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। एक वॉल पर ब्लैक और वाइट ब्लॉक्स वाली टाइल्स लगाई गई हैं
और सामने वाली वॉल पर लेटेस्ट डिजाइन ग्लास शावर लगाया गया है। तीसरा बेडरूम जिसकी डायमेंशंस हैं 11 फीट 10 इंचेस बाय 14 फीट 8 इंचेस, इस फ्लोर का आखिरी बेडरूम है और इस बेडरूम का इंटीरियर का व्यू वन आप देख सकते हैं। इस बेडरूम में ब्राउन वुडन फ्लोरिंग की गई है और बेड वॉल को सामने सिग्नेचर बनाया गया है अपनी डिज़ाइनिंग, टेक्सचर और कलर स्कीम से। बाकी वॉल्स पर वॉलपेपर लगाया गया है। सीलिंग को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है और अंदर लाइट्स लगाई गई हैं। सीलिंग के मिडल में एक बटरफ्लाई हैंगिंग लगाई गई है जिससे बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही है। सामने वाली वॉल पर एक मीडियम साइज वार्डरोब बनाई गई है लाइट कलर्स में। इस बेडरूम के साथ 6 फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट 3 इंचेस का एक बाथरूम है। बाथरूम का भी इंटीरियर देख लेते हैं। इस बाथरूम में टाइल्स लगाई गई हैं और इस व्यू वन में आप देख सकते हैं कि दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बेसिन एरिया है। ओवल शेप का बेसिन रखा गया है और नीचे टॉवल एरिया, हैंगिंग और स्टोरेज स्पेसेस बनाई गई हैं। ये है व्यू टू जिसमें ग्लास शावर एरिया और कमोड है। इन दोनों बेडरूम्स को वेंटिलेशन एक डक से दी गई है जो कि बैक साइड की वन ऑफ द ओपन स्पेस है। एक और डक भी है बैक साइड पर जो कि बेडरूम के बाथरूम और किचन को वेंटिलेशन दे रही है। अब बारी आती है घर के फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर भी तकरीबन ग्राउंड फ्लोर जैसा ही बनाया गया है एज इट हैज़ 3 बेडरूम्स, लेकिन एक रूम इसमें ऐड किया गया है। ये वो रूम है जो ग्राउंड फ्लोर से एडिशनल है और इस रूम को ड्राइंग रूम के तौर पर यूज़ किया जाना है। ये रूम ग्राउंड फ्लोर के वरांडे के ऊपर बनाया गया है। इस रूम का साइज़ है 15x12। अब आपको बता दूं कि बाकी सारे के सारे रूम्स ग्राउंड फ्लोर जैसे ही बनाए गए हैं तो उनकी डायमेंशंस आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक बेडरूम 12 फीट बाय 14 फीट 2 इंचेस का है और इसके साथ अटैच बाथरूम 5 फीट 5 इंचेस बाय 5 फीट 4 इंचेस का। दूसरा बेडरूम 11 फीट 10 इंचेस बाय 16 फीट 8 इंचेस का और इसके साथ बाथरूम 6 फीट 11 इंचेस बाय 5 फीट 4 इंचेस। और फाइनली तीसरा बेडरूम 11 फीट 10 इंचेस बाय 14 फीट 8 इंचेस का है। इसके साथ बाथरूम 6 फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट 3 इंचेस का। किचन 13 फीट 8 इंचेस बाय 10 फीट 1 इंच का है और स्टोर 4 फीट 5 इंचेस का। बाकी घर का इंटीरियर भी ग्राउंड फ्लोर जैसा ही रखा गया है क्योंकि ये पोर्शन रेंट पर देना था, तो इसमें सिमिलैरिटी ज़रूर है लेकिन मोनोटनी नहीं है। सेकेंडली, लोग यूजुअली जो पोर्शन उन्होंने रेंट पे देना होता है उस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, तो ओनर थॉट के दोनों पोर्शंस को सेम रख लिया जाए क्योंकि ये एक बजट हाउस है, तो इसी बजट में रहते हुए बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो गई। इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।